حلو. रोशनी प्लान क्या है तुम्हारा इस लड्डू से हमें बहलाने के अलावा? इस वक्त हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? लुक एक्सचेंज। अरे बोलिए ना, आप दोनों चुप क्यों हैं? वो जब मैं हनुमान को लेकर बाहर गई थी ना, मुझे वहां एक साधु मिले थे। उनका चेहरा देखते ही जैसे एक अलग सा तेज था उसका। यह चेहरा देखते ही वो समझ गए कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ देवी का वास है। अरे पर ये तो बहुत अच्छी बात है रोशनी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? और क्या कहा? उन्होंने कहा कि जहाँ देवी रहती है ना, उन्होंने कहा कि जहाँ देवी रहती है वहाँ उनको बहुत संकट है, और अगर वो इस तरह में रहती रहेंगी तो कहीं कहीं दुखी ना हो जाए। और फिर अभी प्रलय आ गया तो हे भगवान, उन्होंने कोई उपाय बताया कि नहीं? हाँ, देवी श्रद्धा को खुश रखने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आई उन्होंने मुझे बताया है, इसलिए इसलिए मैंने उनको खुश करने के लिए प्रण लिया है। मैंने प्रण लिया है कि मैं 501 लोगों को, गरीबों को खाना खिलाऊंगी। 501? हे भगवान, ये कुछ ज्यादा नहीं है? लो बताओ भाभी। रोशनी ने प्रण लिया है, रोशनी ने। छोटा मोटा लंगर थोड़ी ना रखेगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसी बहाने ना तुम्हारे सारे पिछले पाप भी धुल जाएंगे। हाँ ये सही है। सोचा ही नहीं था, मैं भी ना बिना सोचे समझे प्रण ले लेती हूँ। अगर अगर खाना बुरा बना तो और लोग बुरा मान गए तो? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा थोड़ी होने दे सकते हैं। देवी श्रद्धा का नाम खराब हम होने ही नहीं देंगे। एक काम करेंगे, हम खुद ही सबका खाना बनाएंगे। हाँ, अरे नहीं तनुजा, आप अकेली नहीं, हम भी आपके साथ खाना बनाएंगे। हमें भूल गए ना? अरे आपको कौन भूल सकता है। तुम्हें दर्द देने के लिए तुम्हारे घर वालों को तकलीफ दूंगी मैं।